ਤੋ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਦਿਆ ਹੈ ਮਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੋ ਲੋਗ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਚਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਣੀ ਵਾਪ ਆਪ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁੱਕਰ ਮਨਮਾਈ ਕੇ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਣੀ ਆਣਾ ਪੜਿਆ ਖੇਤੀ ਤੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਬਸ ਕਰਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਮੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ये एक ऐसा बिजनेस है आप कोई भी आप कोई भी नौकरी करो नौकरी पहली चीज तो किसी के आप गुलामी करोगे आपकी एक फिक्स तनखा होगी बस ठीक है टाइम पर आ जाएगी लेकिन खेती तो ऐसा चीज है कि आदमी ना रुपये तो आवे आवा है इसमें अगर आप आधुनिक रूप तो करा नहीं। नहीं। साथ में इसका आपका मतलब शरीर भी आपका बढ़िया रहे और इसमें इतना ज्यादा स्कोप इस खेती में न इतना किसी बिजनेस में किसी उद्योग में भी को नहीं तो नौकरी तो दूर की बात है या खेती तो ऐसा धंधा की उद्योग ने भी दूर बैठा हुआ है लेकिन इसने तरीका सर करो ये बात करा मैं जब नौकरी छोड़ के खेती कहानी आए आप घर क्या ना है, नूनी का भाई पागल हो रहे है सरकारी नौकरी छोड़ के तो खेती लग रहे देखो भाई शुरुआत में तो सबका डाउट रही है क्योंकि ये भी कौन थी वो हमारी जमीन ऐसी थी जहाँ पानी की सुविधा थी ऐसा कुछ भी नहीं था सारे चैलेंज थे लेकिन हाँ ये पता था ये जिस चीज़ का पीछा पढ़ लिया उसने करके जरूर मानेगा तो सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग ली तो ये नहीं कि हम एक दो किलम शुरू करा, हमारे जितनी भी दादा लाई जमीन थी सब पर शुरू कर दिया और बढ़िया बंपर रिजल्ट आए जब बात करा ट्रेनिंग ट्रेनिंग कड़ा कड़ा ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग का तो हिसाब जड़े भी हरियाणा में पूरे देश की बात भी कराना है तो जहां भी पता लगा जिस जिससे हमने थोड़ा सीखने मिला और आने वाला टाइम ने आज खेती हमें आज गण लग रही है लेकिन हमारा जो विजन है वो अगर बीस साल पाँच साल तक का भी हम लेके चल रहे हैं कि हम जो आज पौधा लगाओ इस पौधा की डिमांड है वो दस साल के बाद शुरू होगी लोगों ने इसकी अवेयरनेस आओगी तो ये तो एक अपना एक विजन साथ में लेके चलना पड़े ब्लू प्रिंट हमने हमारा माइंड में बना के रखा ही हो तो इसका हम फॉलो करने लग रहे हैं जी बात करा मैं आपको ब्लू प्रिंट रखा स्टार्टिंग कौन सी खेती तक करी थी ارے جو کرے زمین سنیے منا جو مڑا خراب زمین تھی اج اس کا بھی بڑیاو لیول ہے نو فصل سوتری دے دیکھو زمین ہماری ماں ہے زمین ناں خراب نہیں کر سکتے لیکن جو امر کرنے کا طریقہ وہ خراب تھا کہ ہم نے جسے پانی فسے جس تری اج بارش کو نہیں ہوندی لوکی سب پانی جو ادمی منہ میں کون ڈال سکتاو کلا رمضان دا ران والا ٹائم اپنے بال کس نے کس طرح بھرتنگے وہ چیز ہم نے سوچ کے چلنی جو شریر اپنا جو چیز ہے نا اپنے شریر میں ڈال سکتے ہو اپنے کھیت میں نہیں ڈالنی چاہیے आज के टाइम में हमने देखा तो तरीका था हम ड्रिप लगा इसका हमने देखो पौंड वगैरह खुदवाए हैं तो वो चीज हमने अपनाई कि हमने शुरुआत में जैसे आप बात करो तो हम बागवानी की तरफ गए और प्रोटेक्टेड फार्मिंग की तरफ गए ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਂਡ ਖੁਦਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਲਾਬ ਖੁਦਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਡ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਖੇਤ ਮਾ ਜੂ ਪੂਰੇ ਆਹ ਕਰ ਮੱਚੀ ਧਰਤੀ ਮੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋ 100 ਫੁੱਟ ਪਤੌੜੇ ਪਾਣੀ ਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਜ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਕਰ ਪਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓੜਾ ਔਰ ਉਰਾ ਜੁਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹਮ ਹਮ ਐੜਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ देखो जिस टाइम शुरुआत में मैं एमएनसी में गुड़गांव का मैं काम करता है फिर है मेरा सेल्फ बिजनेस भी था सेल्फ बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था मेरे लगभग इस देश में बारह सेंटर थे उसके बाद इस बजट की बात करें बजट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक इरादा मजबूत इरादा होना चाहिए इरादा ज़रूरी है इरादा और काम करने की पूरी एक विज़न लेके के जैसे मैंने बताया ना ब्लू प्रिंट बना के चले तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें ना जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उन तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिला ट्रेनिंग की बात हो चाहे सब्सिडी की बात हो चाहे हमने टेक्निकल की क्षेत्र के नॉलेज हो तो उन पर बहुत ज़्यादा हमने वो टाइमली हेल्प मिली है और जिसकी वजह से हमने ये कर कर पाए हाँ इस जोन से आप कहो बिना पीछा का भी चल जाए मान गया चलो एक किलम बाग लगाना है आपने बाग लगा रखा जुगर बिना पीछा तो यू भी गुण लग गया कम कम चलो खेती खेती ने जो जो परंपरागत है इसने दूसरी की तो बजट कितना होना चाहिए वो भी इसी बात तो देखो नहीं। बिना बजट बिना पीछे तो आपने जो खेती है थोड़ी पी हो जे है लेकिन नर्मा भी वो भी ली वो ठीक है खेचड़ा भी कर लिया में निकाल दिया वो चीज़ हम देखनी है आउटपुट कुछ नहीं आना सरकार तो हमने कोई सहयोग मिले ज़मीन हमने ख़राब कर ली ले। लेकिन बागवानी एक ऐसी चीज़ है जिस तरह आप ही लगाओ शुरुआत में अपना पौधे लगाने का खर्च पंद्रह बीस हज़ार रुपये तक आवा है वो भी ज्यादा ज्यादा और सरकार हमने तेईस हजार रूपए देने लग रहे हैं मतलब खाद पानी के रूपये बच गए अगले साल सत्रह हजार अगले साल दस हजार पचास हजार रूपये तीन साल में हमने देने लग रही है जो ड्रिप है पानी की व्यवस्था हमने की पचासी परसेंट तक उसमें से छूट मिल है तो वो टाइमली थोड़ा दो तीन महीने वो सब्सिडी आ जाए और अच्छा बढ़िया काम चल जाए जा बात करा मैं मैंने कहा चलो बाग लगा दिया अमरूद का वो तो तीन चार साल पात्र पैदा ठीक है लेकिन इतना जमींदार की जगह तो खाली उसमें क्या करा बिल्कुल सही बात करी देखो जमींदार हमने ये

और आमदनी होगी डेढ़ साल तक का कोई वेट नहीं करेगा लेकिन इतना जरूर है कि हमने बीच में कुछ न कुछ अब लेते रहोगे एक अगर आप किल्लत तो 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 है इन तक इतना की कुछ भाई जी इसमें देखो काम आओ इसमें आपका इतना स्कोप है इतने वो है मतलब कि आप सोच नहीं सकते क्योंकि आज हर हर चीज में कंपटीशन है लेकिन खेती की ऐसा है कि जिसमें अगर थोड़ा लेवल तक भी शुरू करा मान के चलो अपने छोटा लेवल शुरू कर ली आज हर आग जो जो अपने जो शहर में बैठे हैं वो कि हम डायरेक्ट किसान तक जो खरीदा और किसान का खेत में आगे खरीद के बहुत खुश हैं और वो पैसे भी अच्छे रहे तो हमने थोड़ा सा एक अप्रोच ही बनाने की कि हम और तक पहुंच पाए छोटा किसान तो अपना आ, कुछ और जैसे अब यहाँ पे रो, रोड पे अपना कुछ ऐसा थोड़ा सिस्टम कर सके है देखो करकी खाना करकी खाने में क्या बुराई है तो ये सिस्टम ही अपना शुरू होस्कर इसमें अपना जो कितने बार धक्के खावां से होटल मतलब कि एक-एक कमरा में आप ही रही जाओ ना और दूध ना लास्सी कुछ नहीं वा को जिंदगी थोड़ी है तो खेती में अपना रहो खाओ पियो मस्तरो रुपए कमाओ इब जे बात करा मैं खेती दा माने चालें में नुगागर एक नुला देशी खवा ऑर्गेनिक खवा <laughs> इब आपके बाग है सारी चीज के हम <laughs> कितना खाद यूज करो हो और कितना मान के चलो जो सके किल्ला में मान के चलो जड़े खात नहीं गिर उस कार जो हम ज्यादा यूरिया यूरिया गिर उनका कितना के कुछ फर्क रहा देखो इस खेती की सबसे खास बात है कि यूरिया की तो जरूरत नहीं पड़ती यूरिया तो ना, नाइट्रोजन तो पहले एक्सेस है मतना तो लेकिन बाकी जो कि स्त्रियाँ कोई भी बीमारी आ जाए तो इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड के स्प्रे करने पड़े जब बीमारी की दिक्कत ज्यादा आ जाए तो जब आप इसकी तरफ जाओ अब नॉर्मली किसान अगर जैसे अब बारिश नहीं होने लग रही है जीरी या जो नरमा वो चलने लग रही है, तो स्प्रे स्प्रे बेथ है दवाई गिर बिना हुई जिसकी जरूरत भी नहीं। नहीं। आज किसान बल्कि वहां ज्यादा ठगिया जा रहा है दुकान में है दुकानदार उसका बिल बनाए दे फिर पट पट दे ब्याज में ब्याज लागी जाए हमने कोई भी दुकानदार हमें कोई भी सामान नहीं देगा हमें उसने बाकायदा बताएंगे फलाना ब्रांड की फलानी दुकाई, दुवाई दवाई दे दे वो होगा दे देगा दे नहीं हमने मना कर देगा ज़बरदस्ती की चीज़ हमने सजेस्ट नहीं करेगा हम वही चीज़ लेके आओ जो पौधा ज़रूरत है उसी का हम प्रयोग करा है और वो भी कम से कम जब ज़्यादा इमरजेंसी हो नहीं तो कोशिश करा है कि हमें अरी खाद हो गया जैसे डेचा वगैरह शुरुआत में हमने बोए फर्मी कम्पोस्ट हो गया इसका भी रेगुलर क्योंकि इसके बगैर तो बागवानी हो ही नहीं सकती है बस ये तो जरूरत हाँ। आप देखा, कितना खात जो फसल होनी है जो थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा तरीका बदलना पड़ेगा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा जमीन में अगर ऑर्गेनिक कार्बन जो के जो हमारे जो पशु धन हम रखा है इसमें जो गोबर है ये गोबर का अगर सही यूज करना सीख लिया लेना आधे खर्चे तो हमारे ओडे कम वही निकल ना बागवानी करो आप वो भी चलो भूल जाओ लेकिन अपने खर्चे कम कर लो उत्पादन ज्यादा ले लो कोई किसान कह जी मैं बागवानी की तरफ आना चाहूँ तो मैं सबसे पहले कहूँ जी अभी फिलहाल आप इतनी इनकम कितनी ले रहे हो अपने तो उनके बाद अच्छा पानी अगर वो दो लाख रुपये डेढ़ दो लाख रुपये निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तू तो इसी को एक बार मेंटेन कर इसी में अपने थोड़े खर्चे कम कर ले और थोड़ी बीस तीस परसेंट और इनकम बढ़ा ले तो तेरे लिए बढ़िया ही है अगर फिर भी तू अपना आपना लेके आना चाहो तो फिर मोस्ट वेलकम है कि ढाई से तीन लाख रुपये तक चार लाख रुपये तक इसमें जाने की संभावना है और आने वाले टाइम में तो बड़ी बड़ी मंडियाँ शुरू हो रही है तो इसमें और ज़्यादा स्कोप है जब बात करा पे आप खाद आला हो गया यो ओद बनवा रखे ये सोलर भी लुवा रखे हैं सारा इसका सरकार ने भी कोई सारा लाभ है के अपने देखो अब आ, क्योंकि किसान के लिए इतना संभव नहीं है ना मेरे लिए चलो ठीक है नौकरी कर लेकिन इतना क्योंकि मेरा खेत में मतलब मैंने एक करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो एक करोड़ रुपया मेरे पास तो इतना तो बड़ी दिक्कत हो वजह है तो काफ़ी चीज़ें हमें सब्सिडी पर मिले हैं और सब्सिडी का हमने समय सब, पर लाभ उठाना चाहिए लेकिन काम हमने ज़रूर करना चाहिए और बाकी लोगों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि आप इस तरह काम करो उन तक थोड़ी सलाह भी देनी चाहिए ये भी बात कर आपका पैदा हुआ है जो अमरूद है है आड़ू या, या जो दूसरी वो है स, आ, बेचन का के वो है, इसका जो मंडी में जाना पड़ा है या लोहे रखिया कुछ ईशा अलग बिजनेस प्लान तैयार कर रखे लोहे बेचने देखिये अभी थोड़ी सी बेचने में समस्या है मैं ये कहूंगा बेचने आज का क्योंकि अभी जो चीज मार्केट में अगर तीस रूपए हम लोग ग्राहक ने सौ रुपये में लेने लग रही है तो हमने लगा कि यार बहुत ज़्यादा ये देखो जो एम एस पी था जो कुछ भी था वो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें जायज है कि, कि किसान को कम से कम भाई ठीक है हम तो मानना इसमें काम हो जाए लेकिन हमने तो और ज़्यादा संभावना इसमें दिखा है कि मिडल मैन इतने खान लग रहे हैं मतलब इतने तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ अब शायद थोड़ी बहुत समझ हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए स्टोरेज व्यवस्था उत्पादन में हम हमेशा अब आज भी अगर इंडिया की बात करें तो लगभग बीस लगभग चौबीस पच्चीस परसेंट जो फ्रूट है वेजिटेबल है वो खराब हो जाए हमने भी आपने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारी दस लाख की शिमला मिर्च हमारी ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से वो पक्की पूरी तैयार होगी लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ नहीं थी तो ये चीज़ें अब टेक्निकली हमने इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि भाई इन चीज़ों की हम सेल्फ लाइफ किस तरह बढ़ावा और हम डायरेक्ट है ना कस्टमर तक करिए किस तरह पहुँचाओ क्योंकि वो, वो सौ और तीस अगर हमने पचास बीस रुपये और मिले पचास हो जाए हमारे तो और बल्ले बल्ले है तो इस पर भी अभी हम काम करने लग रहे हैं और आने वाले एक दो साल इस आयाम को भी एक बड़ा क्षेत्र में स्थापित कराएंगे हालांकि कुछ अभी सरकार ने भी कुछ आई वगैरह बनवाए थे लेकिन धरातल पर उन पर काम जितना कग्जाम का था उतना तो नेड़े को नहीं होता वो ये बात कराएं है एक तो ऐसी दिखाती होगी एक पोलिया का भी आजकल क्रेज बदरी हाँ। कुछ रहा है उसमें अच्छा मुनाफा है इसमें देखो नेट हाउस का सबसे पहले तो हमने अपना क्लाइमेट समझना पड़ेगा कि हमारा किस एरिया कौन से फसल है लगाना अब ज्यादातर किसान है ना इसके अपना जो खीरा की तरह लगा कर तो खीरा एक्सेस हो गया आपके पास डंप आ गया मतलब कि भाव कम हो गए जितने प्राइस मिलने चाहिए थे भले आंदे हो हाँ क्योंकि प्रोडक्शन इतना है अब आपका गांव में मेरे ख्याल पंद्रह बीस हो गए होंगे आराम और अभी शुरुआत है ये तो और लगने हैं देखो तो इनकम है तो लगा है एक एक आदमी जब यह खास अपने ज़मींदार की मैं प्रशंसा करूंगा कि भाई ठीक है शुरुआत में पंद्रह पंद्रह लाख भी बारह बारह तेरह लाख की मारे में जो यील्ड हुई है तो हमने लोगों तक तो बताई तो दूसरे लोग जागरूक हुए तो वो ही लोग जब कामयाब हुए हैं जो उसके अंदर काम करें कोई बिज़नेस ज़्यादातर जगह जो तो बढ़िया चीज है अब जैसे की बार हम फिर शिमला मिर्चे रंगीन शिमला मिर्च और टमाटर जो कम से कम दस बारह फार्मर हमने टमाटर का भी देखा है आपके बार टमाटर लेके आएंगे और आने वाला टाइम में स्ट्रॉबेरी जितने भी मतलब इसमें ये नहीं किया खीरा हमने फाइनल कर दिया कि खीरा अब हम नहीं स्ट्रॉबेरी तो अपना साइड और भी हो जाए हाँ बिल्कुल हो जाए हमने ओपन में लगाई बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है स्ट्रॉबेरी की संभावना है खरबूजा तरबूज की संभावना है तो इसमें संभावना इतनी है कि मतलब अगर चलो आप सिंपल मिर्च भी लगवा लेंगे ना अगर इसके अंदर भी वो हमने कैलकुलेशन एक दिन बैठ के करा दें पांच छः लाख रुपये तो वो भी देगी

जो लोग करण लग रहे हो उनमें भी देना चाहूंगा देखो यूरिया जरूरत है मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यूरिया तो डाल लेना जरूरत है लेकिन कितनी वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम यूरिया जब लेके आए यूरिया नाइट्रोजन हम 40 परसेंट लेके आए उसमें कितना वो नीचे गया कितना वेपोरेट होकर कि वहाँ वहां मुडे और कितना उसने फसल ने लिया तो वो चीज़ जब समझाएंगे तो लगभग मैं ज्यादा कंधा नहीं है जहाँ पांच कट्टे थोड़े एक कट्टा तो हमारा काम चल जाएगा लेकिन हाँ डालना पड़ेगा अगर जरूरत के अनुसार तो वो चीज मैं संदेश देना चाहूँगा तो हमारी जमीन भी खराब होगी सरकार ने सब्सिडी सरकार के पैसे भी चले गए और जमीन खराब और हमारे भी जो फाइनेंशियली जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो भी लॉस हुआ तो बड़ी दिक्कतें आती है जनता ने उत्ती के संदेश दोगे जो है नौकरी का निभा जाए आपके और व्यापार का जाए घर की खेती देखो भाई मैं ये संदेश दूंगा कि मर्द धंधा बहुत जबरदस्त धंधा उद्योग है एक किस्म का हमने उद्योग है तो हमने ये उद्योग हमने उद्योगपति बढ़ना पड़ेगा उद्योगपति बढ़ाएंगे तो भी इसने चला पाओगे हमें किसान नहीं बढ़ाएंगे हम किसान की तरह जो मैं जब ये शुरू किया हमने कहा था मैं किसान नहीं चलूँगा मैं सरकार के भगवान के भरोसे नहीं बैठूंगा मैं काम करूँगा और मेरी मार्केट मैं खुद बनाऊँगा और एक विजन लेके चलोगे तो इसमें सफलता मिलेगी

तो वो चीज़ हम कहा जब खेत में पूरा 101 परसेंट टाइम दे सका है कि नहीं दे सका है खेत में अपनी व्यवस्था कैसे नहर का, का पानी थोड़ा बहुत भी है कौन है तो वो चीज़ हमें समझा दे एक मतलब काउंसलिंग से मतलब एक सेशन जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज हमने देखा देखा शुरू कर दी ना बहुत नुकसान ढा जाएंगे तो बीच बीच में फिर उन्होंने व्हाट्सअप पे भी हमने और काम शुरू कर दिया तो हम उन मतलब सपोर्ट दे रहे हैं तो बढ़िया है काम वो करने रहे काफी किसान है मेरा टच में मतलब भगवान की डेढ़ सौ दो सौ किसान आज इस काम ने कर चुके और सब बढ़िया चला रहे हैं आपका इतना कीमती से मैं लिया हूँ धन्यवाद धन्यवाद जी आपका भी आप आए यहाँ पे तो भाई नहीं ऐसी ऐसी शख्सियत है जो नहीं भाई जुनून जिसका भी तरमा हो कुछ कारण का

ताकि जिस तरह मैं बताऊँ दो दोस्तों लोग आज के दोस्तों दो हज़ार दो हो जाएंगे लेकिन वो सब तमी सही हो करोगे तो होगा पवन भाई भी इतनी दूर आए हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखियो शेयर करना एक गुट्ठा टेक के ये काम तो पहले कर दो हर गल चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो शेयर शेयर पर कल जय जवान जय किसान